चाहे कश्मीर की गड़गड़ाती हुई ठंड हो, चाहे रेगिस्तान का बिल्कुल गर्म मरुस्थल हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी ड्यूटी उनके रणभाव के लिए बहुत ही मजबूती से निभाते हैं। दोस्तों, कल मैंने एसएससी जीडी का वीडियो डाला था और मैंने आपसे पूछा था कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में सबसे ज़्यादा जिसमें कमेंट्स आएंगे उसके बारे में मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए वो मुझे बीएसएफ को लेके आए और मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि आप लोग समझते हैं फोर्स की इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेमस यूट्यूबर वो क्या हैं, वो आपको ये ज्ञान दे रहे हैं कि सीआईएसएफ में जाओ, वहाँ जीरो रिस्क है, कोई भी खतरा नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों से कल भी यही बोला, जिस फौजी बंदे ने बेल्ट पहनी हो, कैप पहनी हो और उसको खतरों से डर लगता हो तो फौजी नहीं, ठीक है। तो ये उन सिविलियंस की हो सकती है सोच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का, किसी का भी सपना ऐसा सोचते होंगे कि मुझे रिस्क नहीं लेना है। सीआईएसएफ में जाना एक चॉइस हो सकती है, लेकिन ये तर्क देना कि रिस्क जीरो है, ये चीज़ गलत है, ये मुझे लगा तो ये चीज़ मैंने आपसे बोल दी। चलिए, इन चीज़ों को छोड़ के आज बात करते हैं हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई, उनका इतिहास, उसमें कार्य करने की कार्य प्रणाली या उनका कर्तव्य क्या होता है या उनके काम क्या होते हैं, क्या बीएसएफ का जवान एक कमांडो बन सकता है या एनडीआरएफ में जा सकता है, और उसकी पूरी जानकारी आपको मैं आज की वीडियो में दूंगा। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है मनोज सिंह और मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको बीएसएफ के बारे में जानकारी दूंगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बीएसएफ के साथ में काफ़ी रहा है, चाहे कश्मीर हो चाहे बंगाल हो, तो वहाँ बीएसएफ वालों के साथ में मेरा बहुत रहना हुआ है और मुझे व्यक्तिगत बीएसएफ की जो ड्रेस है बहुत अट्रैक्टिव करती है। और आप लोग जब भी बाघा बॉर्डर पर गए होंगे और वहाँ पर आपने परेड देखी होगी, तब आपके दिल में जो बीएसएफ का जोश और जो उनके पाँव मारने की जो शैली है और वो जोश के साथ में जो गेट खोलते हैं और जो उनकी ड्रिल होती है, आप में भी एक नया जोश भर जाता है और उनकी वर्दी को देख के आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि काश मैं भी बीएसएफ का एक जवान बनूं। तो चलिए, जवान कैसे बनना है ये वीडियो में हम आप कल आपने एसएससी जीडी का क्राइटेरिया देख लिया होगा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। आज की वीडियो में सिर्फ आपको मैं बीएसएफ के बारे में बताता हूँ। अगर बात करें बीएसएफ की स्थापना की, तो बीएसएफ की स्थापना क्यों हुई बताना चाहूँगा आपको। 1965 से पहले जहाँ पे भी हमारे देश की जो हमारे राज्य होते थे उनकी सीमाएं जिस बॉर्डर से भी लगती थी, चाहे बात करें हम गुजरात की, चाहे बात करें हम बंगाल की, चाहे हम बात करें पंजाब की, चाहे बात करें जे एंड के की, तो जिन जो भी सीमाएं बॉर्डर से लगती थी वहाँ के सीमाओं की, जे एंड के को छोड़ के, तो वहाँ के जो सीमाओं की जो सुरक्षा होती थी वहाँ के राज्यों की पुलिस की होती थी, ठीक है। तो पुलिस ही बॉर्डर की भी सिक्योरिटी करती थी, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने गुजरात में अटैक कर दिया। आप सुनिए साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेना जब भी पीस एरिया में होती है तो वो अपनी ट्रेनिंग करती है ताकि अगर हमारा देश के ऊपर में कभी अटैक हो गया, हमला हो गया, तो उससे हम कैसे बचेंगे, कैसे लड़ेंगे। तो ऐसे में 1965 से पहले जहां पे भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी राज्य के पुलिस की होती। लेकिन बात करें 9 अप्रैल 1965 की, तो पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ जिले में सरदार पोस्ट, छारबेट और बेरिया पोस्ट पर हमला कर दिया और तब राज्य पुलिस पाकिस्तान की सेना के सामने बहुत कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी, और जिसके कारण तब महसूस हुआ कि हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता है। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1 दिसंबर 1965 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की गई। तो पाकिस्तान ने गुजरात में अटैक कर दिया और जब गुजरात में अटैक किया तो वहाँ की जो पुलिस है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई पाकिस्तानी सेना के आगे, और तब लगा कि ज़रूर यहाँ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनकी सुरक्षा के लिए भी हम एक ऐसी फोर्स की गठन करें जिससे कि हमारे देश की सीमाओं की जो सुरक्षा है वो मजबूती से हो पाए। तब जाके 1 दिसंबर 1965 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिन हमारे बीएसएफ की स्थापना की। तब से हम 1 दिसंबर को हम बीएसएफ डे अपना मनाते हैं। ये हो गया आपका स्थापना। अब बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है। बीएसएफ वालों का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारे सीमाओं में कोई भी अनाधिकृत प्रवेश, यानी कि जो अनैतिक रूप से प्रवेश किया जाता है उनको रोकना, सीमा पर जहाँ जहाँ हमारे सीमाएँ लगती है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो वहाँ पर कोई तस्करी ना हो, कोई ड्रोन से कोई भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो,
उनके ड्रोन हमारे यहाँ आते नहीं, उस पर निगरानी रखना, कहीं हथियारों की तस्करी तो नहीं रही हुई उसके ऊपर में निगरानी रखना, कोई नशीले पदार्थ या इस प्रकार के जो भी अनैतिक चीजें होती है उसकी आवत जावत और उसकी रोकथाम को रोकने का काम हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है। और बात करें इलेक्शन ड्यूटी की, तो इलेक्शन ड्यूटी में भी ये लोग बहुत अपना अच्छा काम करते हैं, इलेक्शन ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। चाहे हमारा नॉर्थ ईस्ट हो, J&K हो, राजस्थान हो, कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पर BSF होती है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, वो इलेक्शन ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करती है। तो इनका जो मेन पहला काम होता है वो होता है हमारे सीमाओं की सुरक्षा करना। दूसरा इनका जो काम होता है वो होता है रणभूमि की रक्षा करना, चाहे J&K का एरिया हो जहाँ भी बॉर्डर लगता हो, चाहे पंजाब से, चाहे बंगाल में, बांग्लादेश के साथ में जो भी सीमा हो वहाँ पर गौ तस्करी या कोई भी स्मगलिंग ना हो, उस चीज की रोकथाम के लिए हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो रणबांकुरे हैं वो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं BSF के कार्यप्रणाली की। इनका काम होता है सीमा पर कानून की रखवाली करना, यानी कि जो भी हमारे बॉर्डर्स होते हैं वहां पर कानून का पालन करना, कानून वहां पर के मद्देनजर रखते हुए लोगों को मदद करना, सीमा से सटे हुए जो भी गांव होते हैं उनकी मदद करना किसी भी तरीके से, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे उनके ऊपर में कोई अनैतिक चीजें हो रही हो, उनसे उनकी रक्षा करने का जो दायित्व होता है वह हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का होता है। और भी जो हमारी सुरक्षा जो फोर्सेस होते हैं, भले आर्मी हो या और भी फोर्सेस हो, उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। आर्मी के मुकाबले इनकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है, तो कहीं कहीं पर इनकी छोटी टुकड़ियां होती है वो आर्मी के साथ में मिलकर काम करती है, चाहे इनपुट्स हो, चाहे किसी गांव का कोर्डन्स करना हो, सर्च ऑपरेशन हो, तो वहां पर ये आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करती है। तो काम इनका आपको पता ही है, बॉर्डर की सुरक्षा करना, बॉर्डर में जो नशीले पदार्थों की तस्करी उनको रोकना, स्मगलिंग को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, सीमाओं की सुरक्षा करना, ये इनका मुख्य काम है। और परेड आपने देख लिया होगा, चाहे 26 जनवरी की परेड हो, चाहे बाघा बॉर्डर पे परेड हो, वहां पर आपने BSF की परेड देख ली होगी। ड्रेस इनकी खाकी है, बहुत जबरदस्त इनकी ड्रेस है, वो चीज आपने देख ली होगी। तो जो भी हमारे नौजवान BSF में जाना चाहते हैं वो कमेंट्स में जरूर लिखना, सर मेरा सपना ड्रीम BSF है। और अब बात करते हैं कि सर हम BSF से क्या कमांडो बन सकते हैं, क्या हम BSF से हम NSG कमांडो में जा सकते हैं, अगर हम जाएंगे तो हमारा वहां पर काम क्या होगा। बिल्कुल, आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाके आप NSC कमांडो में आप जा सकते हैं, और NSC कमांडो में जाके आप वहां पर SRG ग्रुप यानी कि स्पेशल रेंजर ग्रुप में जा सकते हैं, और VIP प्रोटेक्शन और रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने दायित्व को पूरा कर सकते हैं। तो जो कमांडो में आपके जाने का सपना है NSC में, वो आप BSF में जाके भी पूरा कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं NDRF की, कि NDRF में जा सकते हैं क्या, तो NDRF को लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि NDRF का काम क्या होता है, NDRF का दायित्व क्या होता है, कब इसकी स्थापना की गई, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कौन कौन सी फोर्स NDRF के अंडर में आती है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान बात करें तो NDRF में BSF की 3 बटालियंस होती हैं, और BSF में अभी जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 2.65 लाख की स्ट्रेंथ BSF की अभी है। और बटालियंस की बात करें तो BSF में अभी 193 बटालियन है जहां तक मुझे अभी जानकारी है। इसके बाद में कुछ और अपडेट होगा तो आप लोगों में जरूर साझा करूंगा। तो दोस्तों, आप SSC GD में भर्ती होकर BSF को अपनी फर्स्ट चॉइस बना के अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाके अपने जो महत्वाकांक्षा, अपने आशाएं हैं, जो आपके सपने हैं, इनको आप पूरा कर सकते हैं, और अपना खाकी ड्रेस पहनने का जो मौका है उसको हासिल कर सकते हैं। या बहुत सारे ऐसे युवा जो सेना में आने से वंचित हो गए हो, चाहे उनका कारण एज हो, चाहे एजुकेशन क्राइटेरिया हो, जैसे आर्मी में JD के लिए आपका 45% मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ वो सब चीज़ें नहीं है। और आर्मी के फिजिकल में अंतर है, वहाँ 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है, 5.5 मिनट टाइम मिलता है, यहाँ 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 24 मिनट मिलते हैं। तो बहुत चीज़ें डिफरेंस है, तो इसलिए आप BSF में, आप जो आर्मी में आने से वंचित हो गए हैं, वो BSF में जाके भी देश सेवा के सपने को पूरा कर सकते हैं। बात करें बहनों की, तो बिल्कुल बहनों की भी जो तैनाती होती है वो BSF में होती है। भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बहनें भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं। और BSF में कई लोग बोलते हैं, सर क्या हस्बैंड वाइफ भी BSF में होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या वो एक साथ ड्यूटी करते हैं? बिल्कुल एक साथ ड्यूटी करते हैं, और एक साथ ही उनकी बटालियन जहां मूव करती है वो साथ में ही रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हस्बैंड वाइफ के लिए भी दोनों। कितनी अच्छी बात है कि माँ भारती की सेवा एक पिता पुत्र करें, माँ भारती की सेवा एक पति पत्नी करें, इससे अच्छा आपको और क्या मिल सकता है, आप बताएं। तो ये थी आज की BSF की वीडियो,
और इस वीडियो में अगर मेरा कोई पॉइंट छूटा होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब कल की वीडियो में आप बताना कि आपको नेक्स्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस कौन सी पसंद है, उसको लेके भी इसी प्रकार की जानकारी दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और चैनल में पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।